आज हम लेंगे गवार, और ये एक फॉलोअप स्लाइड्स है, बिकॉज इससे पहले हमने जो फंडामेंटल और टेक्निकल बताया था, और अब जो मार्केट मूव कर रहा है वो इन लाइन है, ये दिखाने के लिए। तो आप देखिए कि 3 नवंबर को हमने बताया था गवार का आउटलुक, जहां पे हमने देखा था कि गवार गम 9400 के करीब ट्रेड करी थी। हमने बात की थी कि मार्केट में अब तक गिरावट क्यों थी, बिकॉज रिसेशन फियर था, इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं थी, अनएक्सपेक्टेडली स्विंग बहुत जबरदस्त बढ़ गई थी, जिसकी वजह से 1 करोड़ बैग के आसपास का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड था। बट हमने देखा कि आगे आपको क्या देखना है, सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस, तो हम देख रहे हैं कि अभी एनर्जी क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ रही है। साथ में हमने देखा कि कुछ बैन हुआ इकोनॉमी में, मेजर रेट हाइक्स हो रही है, फिर पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन बनी जिसकी वजह से क्रॉप खराब हुई है, यील्ड में कंटिन्यू ड्रॉप आ रहा था, रुपए में फॉल है, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर सपोर्ट करेगा। और रिसेंटली हमने देखा था कि आगे क्या क्या फैक्टर्स प्राइजेस को ये सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। बट अब हम टेक्निकली भी अगर हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा था टेक्निकली भी प्राइजेस लगभग 9400 के करीब गवार गम था, और यहाँ पे गवार सीट की बात करें तो 4650 के करीब था। तो हमने ये सब चीजें डिस्कशन की, और अब मार्केट में आप देखिए 20 दिनों के अंदर हुआ क्या, या लगभग 1 महीने में हुआ क्या। तो हम देख रहे हैं जो गवार सीट 4700 रुपया था, वो 6200 के ऊपर आ चुका है, जो गवार गम 9200 के करीब था वो अब 13000 के करीब आ चुका। आप देख सकते हैं मार्केट में 20 दिनों के अंदर अंदर जबरदस्त तेजी आई थी, और जिस ढंग से हमने फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू बताया था, बिल्कुल उस लाइन में अब आगे क्या हो रहा है। तो देखिए, अब तक हमने देखा है कि 43% का, बिल्कुल 43% की बड़ी तेजी हमने गवार गम के प्राइसेस में आते हुए देखी, जिस ढंग से माना जा रहा है कि 1.25 करोड़ बोरी के हिसाब से हमने देखा था मार्केट में गिरावट थी, बट अभी जो अराइवल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, और प्रोडक्शन बताया जा रहा है 85 से 90 लाख बोरी के आसपास रहेगा, जिसकी वजह से ये तेजी बनी है। साथ में गवार सीट गवार गम रेशियो 2 के ऊपर आ चुका है, क्योंकि देखिए गवार गम जब बढ़ता है तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के ऊपर पूरा दामोदार रहता है कि डिमांड बढ़ेगी आगे जाके। एग्री के एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें हमने, तो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 13.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, जो 25% है। उसके अंदर गवार गम और पॉलिट्री के अंदर 80% का जंप आता हुआ दिख रहा है। गवार गम का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 3.92 बिलियन के आसपास का अभी तक का रहा है। ओवरऑल हमने देखा है कि ये जो तेजी आई है ये फंडामेंटल बेस तेजी, क्योंकि पहले क्रॉप बहुत ज्यादा बताई जा रही थी, बट अब हम देख रहे हैं कि यील्ड में 50% का लॉसेस दिखाई जा रहा है, और मे बी जिस ढंग से रिसेशन का फियर अभी भी बना हुआ जरूर है, लेकिन इंडिया में सीआईटी ने जो नंबर्स दिखाए हैं, दिवाली सेल्स बताई है, ये कहीं ना कहीं रिवाइवल है। तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो सप्लाई है जेंटा गम, जो एक कॉम्पिटिटर है गवार गम के लिए, तो चाइना में हम देख रहे हैं कि अभी भी लॉजिस्टिक इश्यू है। आज सुबह भी न्यूज आई कि बीजिंग के अंदर कुछ सिटीज, बीजिंग के 2 मेजर सिटीज में लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया, तो जिसकी वजह से सप्लाई है जेंटा गम का डिस्टर्ब हुआ है, और गवार गम पे सप्लाई डिमांड बढ़ रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड आगे भी बनती हुई दिखाई देगी, और फार्मर भी लोअर भाव पे बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अराइवल्स काफी कम है, और क्रूड का जो प्रोडक्शन है यूएस में, ये भी हम देख रहे हैं कि आगे जाके और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एनर्जी प्राइस को नीचे लाना है। तो ये सारे फैक्टर आगे रहेगा। अगर इसको स्नैपशॉट के तरह देखें तो यूएस का जो प्रोडक्शन 2023 में माना जा रहा है वो करीबन 12.29 मिलियन बैरल पर डे का आउटपुट हो जाएगा, जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें गवार गम का यूज होगा। इनफैक्ट इसका असर आता हुआ भी दिखने लगा, क्योंकि बेकर्स यूजर्स की जो रिपोर्ट आती है वीकली, उसमें बताया गया है कि रिग काउंट धीरे धीरे बढ़ रही है। रिग काउंट ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कच्चा तेल को समुद्र से निकालता है, फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी पे, जहां पे हम गवार गम का यूज देखते हैं। चूरी कोरमा का भी डिमांड धीरे धीरे फीड इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। डोमेस्टिक यील्ड में जो ड्रॉप आया वो एक प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है। गम के जो रेशियो है उसमें भी तेजी आई है, जो बताता है कि इंडस्ट्रियल नंबर्स बढ़े हुए। सीजनैलिटी भी अगर हम देखते हैं तो ज्यादा करके हम नवंबर में गिरावट देखते थे, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा रहता था, लेकिन इस बार प्रोडक्शन में जो लॉसेस हुआ है, जिसके चलते नवंबर में जबरदस्त तेजी, और दिसंबर में भी हमें लगता है कि तेजी कायम रही। टेक्निकली थोड़ा अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक टेक्निकल आउटलुक में ओवरबॉट हो जाता है, लेकिन ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। यही चार्ट मैंने 2 नवंबर को दिखाया था, जब गवार गम का मंथली चार्ट पे हमने बताया था कि ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। फ्लैग पैटर्न में मार्केट में इनिशियल एक तेजी आती है और फिर मार्केट एक कंसोलिडेट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनिशियल बड़ी तेजी आई और फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अब जैसे ही मार्केट ने 11000 का लेवल ये ब्रीच हुआ,
आप देख सकते हैं अगला पड़ाव था 13,270 रुपया और आज गवारगम का हाई देखोगे तो 13,180 का हाई इस वक्त लगा चुका है। तो टेक्निकल थोड़ा पुलबैक मिल जाए बट फंडामेंटल और टेक्निकल जबरदस्त तेजी है, थोड़ा बहुत पुलबैक पे लेके चलिए। मुझे लगता है कि अगर हम जनवरी एंड या फरवरी तक की बात करें जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी तो आराम से प्राइजेस 13,500 का लेवल तोड़ के 15,000 का लेवल मिलेगा, लेकिन फरवरी तक का वेट कीजिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम ऐसे फंडामेंटल्स बताते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि 15 दिन में ही ये हो जाएगा। देखो फंडामेंटल टेक्निकल अच्छा जरूर है बट टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे अगर हम रिसेंट चार्ट पे डेली चार्ट पे देखते तो आप देखिए गजब तरीके से मार्केट में तेजी आई थी। हाँ पिछला हाई जो था वो था 13,400 का अप्रैल महीने में, तो पॉसिबल है टेक्निकली इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा पुल बैक देगा, लेकिन आने वाले 2-3 महीना अभी भी मार्केट का सेंटिमेंट तेजी का है, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, इसलिए कॉशियस रहिए। गवार सीड में भी ऐसा ही हाल है कि हमने रिसेंट हाई जो देखा था 6700 का देखा था और आज का अगर हम गवार का हाई देखे तो 6390 के करीब पहुंच चुका है ये, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिले उसे घबराना नहीं है। ट्रेंड बिल्कुल गवार का पॉजिटिव है, थोड़ा पुल बैक मिलेगा लेकिन फरवरी एंड तक के टारगेट आप पकड़ के चलिए। ये होता है गवार गम गवार सीड का रेशियो, ये बताता है अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ती है तो गवार गम की रेशियो बढ़ती है। तो इससे पहले भी हम देख रहे जब गवार अच्छा मूव कर रहा था 2017-18 में तो ये 2 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब वापस ये 2 के ऊपर आने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। तो इन ऑल मुझे अगर हम सम अप करते हैं तो हमने परफॉर्मेंस पिछले 20 दिनों की जबरदस्त देखी, जहां पे 40% से ज्यादा का गेंस प्राइसेस में आते हुए देखा। फंडामेंटल में हमने देखा एनर्जी क्राइसिस, यूएस में रिग्स काउंट बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ना चालू है, शॉर्टेज वॉज द मेजर रीजन क्योंकि जब 1,25,00,000 बोरी की बातें हो रही थी प्रोडक्शन की और अब 85 बताई जा रही है तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल सबसे बड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अभी भी तेजी है लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो वो लेने का मौका रहेगा। तो ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली प्राइजेस के लिए आने वाला टाइम और अच्छा मजबूत रह सकता है।